तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं तो नहीं, लेकिन मेरा भाई और मेरी मम्मा गए थे पाकिस्तान मॉल में उसके फंक्शन का एक ड्रेस लेने। तो अभी ये है पाकिस्तान मॉल, उसके सामने काफ़ी लोग गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं। ये है मेरा भाई और ये पाकिस्तान मॉल के अंदर जा रहा है क्योंकि कुछ कपड़े चूज़ करने हैं उसके फंक्शन के लिए। फंक्शन एक्चुअली सैटरडे को है, मतलब कल है, तो बहुत मज़ा आएगा। मैं भी जाऊँगी उसके फंक्शन में क्योंकि सबको इनवाइट किया है ना, तो मैं भी जाऊँगी। अभी नीचे शॉप पर जा रही हूँ देखने कपड़े। ये एक्चुअली मेरी मामा जो है ना, वो बहुत चूज़ मतलब अयान बहुत चूज़ी है। नहीं, वो एक्चुअली अयान में ना कपड़ों से ज़्यादा तरह होता नहीं। वो कहता है आप कुछ भी ले दो बस मैं पहन लूँगा, क्योंकि मम्मा कहती है मैं कुछ अच्छे ही लेती दी मेरा पसंद नहीं अपनी मर्जी से बताओ। फिर अयान पहनता है। अभी अयान लोग मम्मा अंदर गए थे देखने कुछ कपड़े कि अगर कोई अच्छे कपड़े मिल जाए तो हम चूज़ करके ले लेंगे यहाँ से। तो ये अंकल एक्चुअली हम सब हमें बताए थे कि ये हैं वगैरह। ये भी एक शर्ट थी यहाँ पर इस कलर में। ये शर्ट एक्चुअली बहुत प्यारी लग गई थी तो अंकल ने ये वाली निकाल दी। और यहाँ पे अभी मुझे पता चला है वॉइस ओवर करते हुए कि मेरी मम्मी मेरा बैग लेके चली गई चोरी करके, और मुझे बताया भी नहीं। मैं सोई भी थी कि ये चोरी करके ले गई मेरा बैग। तो ये अंकल टाइल दिखा रहे थे हमें, और ये फिर हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पे हम मॉल दिखा रहे थे ताकि आप भी अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान मॉल में आ सकते हैं। यहाँ पे आई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती हैं ना, मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप है, टॉय शॉप है, क्लोथ शॉप है, बहुत मतलब अच्छी अच्छी वैरायटी की चीज़ें हैं। और यहाँ पे मेहंदी पार्लर भी है तो आप वहाँ से भी आ सकते हैं। मेहंदी पार्लर बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है वो आपकी, तो आप उस मेहंदी पार्लर में भी जाना। तो यहाँ पे मेरा भाई वापस जा रहा था, वो हम यहाँ पे शॉपिंग करके वापस आ रहा था। एक्चुअली हमने अब ड्रेस ले लिया था क्योंकि हमें ड्रेस मिल गया था, हमने ड्रेस ले लिया। अयान निकले जा रहे थे, अयान मम्मा यहाँ से जा रहे थे वापस, और मम्मा एक और बार मॉल को बाय बाय करके मॉल दिखा रही थी। बाय बाय मॉल, हम वापस अभी पता नहीं कब आएंगे, बड़े ही तभी आएंगी। तो गाइस मैं तो कह रही कल अयान के फंक्शन में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि एक्चुअली उसके परफॉर्मेंस है, इसलिए कि फंक्शन कर रहे हैं तो मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है। और वैसे भी सैटरडे को है और स्कूल भी नहीं जाना तो बहुत अच्छी बात है। और एक्चुअली मेरे भी चेक पॉइंट चल रहे हैं, मेरी भी तैयारी होने वाली है। चलो गाइस, आपको ये व्लॉग अच्छा होगा।